आलोचना को आरंभ करिबा। प्रथमे ओमी डानियल आपण पाखु श्री डानियल जो तथ्य सरकार दौंती जे 28 लक्ष लोक पक्का घर दि सरला जदि एटी प्रश्न समस्त मन में आसूँ आपण मन को आसो जब 28 लक्ष लोक पक्का घर दि सरला तेल एमती आउ के लोक अच्छा जो मान मुंड पक्का घर ना जो यस बात्या आसला 650,000 लोक स्थानातर करागला ये परिवार संख्या देखिले आपको 5 रे डिवाइड करले परिवार तथ्य आसी जीवो किंतु बड़ कथा होउची जे उपकूल अंचल जेतेबेले प्राकृतिक विपर्य आसुची सरकार का मुखा खोली जाउची सेतिक बेले जेतेबेले पक्का घर सत बा वास्तवता सामना गोस्ची कोन कहिबे एकटा पक्का घर लोकक मुंड ऊपर निहाती छमन को सहाय्य करिवो रक्षा करि परिवो ए भोला जेतेबेले विपर्य आसुची दुर्विपाक आसुची सेतिरे निश्चय रक्षा पाइबे लोक आ द्वितीय कथा ला जे खाली उपकूलवर्ती अंचल नुह देखु तितली जितेबाला गजपति केमी मान अवस्था होता से कि आप देखिए बर्तमान मयूरभंज जो सब कोर एरिया विपर्य गोटे तांडव से लोक घर निश्चय बहुत क्षय क्षति होलतः है साइक्लोन सेल्टर टा कि जगार अच्छे लोक बची जाऊँ जा साइक्लोन सेल्टर को कितु बहुत जगार जो जगह की गोटे इनडायरेक्ट इनफेक्ट तार इफेक्ट हूँ साइक्लोन से पार्वती अंचल हो कोरापुट जिलार कि पार्वती अंचल हो गजपति कि बर्तमान मयूरभंज तेणु आम देखापी गले खाली विपर्य खाली बात्या नई बड़ी कथा कहचु आम लैंडस्लाइड्स हो जो जो एरिया कहचु आज जो एरिया लोक घर ना हिट वेव क्या कहते सब जगह दरकार लोक मुंड भल छात दरकार द्वितीय कथा तार कौ भाया हम आम बनिया अंचल तार डिजाइन कौन हम पहाड़ अंचल तार डिजाइन कौन हम गोटे बात्या अंचल तार डिजाइन कौन हम से गोटे निरकार जिते आम देखीचु बनिया अंचल कौ टाइप घर से एक्चुअली आश्रय नहीं पारे बेसी प्रभाव पड़ो ना नंबर टू आम तो खाली एमती घर करदे हम सब से घर भी एक्चुअली तार प्रभाव टा सही पार बात्यार हो बनार हो कि पवन रो बात्या सही पार से सुरक्षा जगे मतलब गोटे बहुत बड़ व्यापक इश्यू डिजास्टर मैनेजमेंट देखु गोटे डिजास्टर रेसिलिएंट हाउस कह जो कि प्रभाव टा मान से पड़बनी लोक धन जीवन नष्ट हबनी तेणु आम जो विपर्य भितर देखु घर संज्ञा जदि कह टाइप घर हम सी भी बहुत इंपोर्टेंट क्या डानियल एथरक डबल चैलेंज थिला जेहेतु बाहर कोरोना थिला एवं बात्या आश्रयस्थल को लोक माने जीवा पे राजी नथिले सेति पे कुआ जाउतला जे सरकार पर डबल चैलेंज अछि लोके मध्ये चाहु नथिले जे निज घर घर छाड़ी बात्या आश्रयस्थल रे जोटी सामाजिक दूरता रखी हेबने सेठी जे मुंड गुंजिबे तेन बहुत लोक पक्का घर नथिले मध्ये कच्चा घर रे निज घरे रहिले बाहर को गले नहीं जीवन को विपद विपद को नहीं थिले जदियो साइक्लोन जेतिके हबार थिला ताटू टिके कम हला पवन तो गोटे प्रकार क्षय क्षतिर परिमाण सेते हेला नै किंतु आमर जहाँ प्रस्तुति थिला तो प्रस्तुति को आपण केमे देखछन्ति आ ए जो लोक घर न छाड़ी जीवा को आपण केमे देखछन्ति नै ए जो जितेबेले लोक अमंग होउछन्ति जीवा पई बहुत थरे भी आमे देखिछु डिजास्टर रे लोक को समान को कोहा जाय जीवा पई किंतु एतरो जे आपण कहउछन्ति ता ठीक जेहेतु गोटे लोक मन में गोटे स्वास्थ्य रोटे भय भी थिला एवं कोविड रोटे गोटे गोटे इश्यू थिला लोक पाखे से माने भी भिड़ भितर रही चाहू ना सरकार एवं भी कहते जो माने फेरी साइक्लोन सेल्टर रु से एंटीजेन टेस्ट हम या पूर्व भी भारत सरकार भी गोटे कही कि समस्त एंटीजेन टेस्ट साइक्लोन सेल्टर नापाई कि संभवपर ना कहते संख्यक लोक संभव ना पाखक सरकार जहाँ कही समस्त आंटीजेन टेस्ट करके बात्या आश्रयस्थल को ने तो ये कम समय भितर के संभव नुहे कारण 650,000 लोक स्थानातर कर सुदर्शन दास आम सहित अच्छा पीसीसी मुखपात्र श्री दास जो तथ्य आज आम आलोचना करुचे पक्का घर वास्तव तथ्य लोके हंतसंत हेले कच्चा घर छाड़ी किसी लोक गले जो मैंने गले से डबल विपद था एपटे घरे रहिले विपद बाहर को गले कोरोना विपद आपण केमी देखते यो प्राकृतिक विपर्य जिते बड़े आसे प्रकृत घर पक्का घर वास्तवता पदा को आसे एथरे आपण केते दूर एकमत देखंतु मु 3-4 दिन हलानी फील्ड रे अछि जलेश्वर ब्लॉक भोगरेई ब्लॉक एवं बस्ता ब्लॉक रे जेते सब साइक्लोन शेल्टर सब हेइथिला ये सब गुड़ा जगह को बुली थी एवं जो माने सेटी रही थिले बा रही चंती मध्य वर्तमान किस जगह अच्छा
ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସରକାର ଯୋଉ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମ୍ଡିମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଖୁଲାସା ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲିଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲି ଦିଟା ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି 150-200 ଲୋକ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ରାଶନ ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉଠି ସେମାନେ ରହିବେ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ଯେ ଲୋକେ କଚ୍ଚା ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଧାମରାରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ପୁରା ରାତି କାଟିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଫେସ୍ କଲେ ବାତ୍ୟାକୁ। ତ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସସ୍ଥଳ ଗଲେ କାଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘରେ ରହିପାରିଲେନି, ବିପଦ ଥିଲା, କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା।